हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गेट अपडेट 24। सनी देओल के गदर 2 के साथ बड़े पर्दे पर जोरदार वापसी की है। उनके फैंस उन्हें अपने फेवरेट एक्शन अवतार में वापस देखना पसंद कर रहे हैं। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी गदर 2 को जनता और क्रिटिक से पॉजिटिव रिस्पांस के साथ रिलीज किया गया है। फिल्म देखने वाले पुराने जमाने के रॉ एक्शन की वापसी का जश्न मना रहे हैं। 22 साल पुरानी गदर का सीक्वल दिल जीत रहा है और अगर गदर 2 ब्लॉकबस्टर हो जाती है तो फैंस गदर की तीसरी किस्त की उम्मीद कर सकते हैं। उत्कर्ष शर्मा ने गदर 3 के बारे में बात की। जब उनसे फ्रेंचाइजी के फ्यूचर के बारे में पूछा गया तो उत्कर्ष ने गदर 3 की पॉसिबिलिटी के बारे में खुलासा किया और कहा, अभी पता नहीं, लेकिन एक बार शक्तिमान जी ने इस बारे में हिंट जरूर दी थी। शक्तिमान मतलब शक्तिमान तलवार लेखक। पता नहीं वो कहानी कब ओके होगी। गदर 3 के बारे में मजाक करते हुए उत्कर्ष ने कहा, 20 साल लग गए इस कहानी को, तो गदर 3 में पता चले कि जीते के भी बच्चे हो जाए और दादा बेटा और पोते सब मिल के एक्शन करते हुए दिखे। मजाक के अलावा उत्कर्ष ने खुलासा किया कि लेखक के पास तीसरे पार्ट के लिए एक आइडिया है और इस बात पर सहमत हुए कि गदर में अगली बड़ी फ्रेंचाइजी के रूप में आगे बढ़ने की पावर है। इसी बातचीत में उत्कर्ष ने अनाउंस किया कि सनी देओल आखिरी एक्शन हीरो है जो रॉ एक्शन कैटेगरी में महारत हासिल कर सकते हैं। सनी सर पूरी दुनिया में आखिरी एक्शन हीरो है जो अपने दृढ़ विश्वास के साथ रॉ एक्शन कर सकते हैं। उनके ऊपर कई नहीं है। उत्कर्ष ने आगे कहा कि हम लकी है कि हमारे पास एक सुपरस्टार है जो एक्शन में बेस्ट है और वो जानता है कि फीलिंग्स को कैसे जोड़ना है। अगर आप सनी देओल के फैन हैं तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।